डे 2 हमारा ट्रिप का। सो अभी हम लोग है ग्वालियर में, जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में आपको बताया था। एंड अभी हम लोग निकल रहे हैं ग्वालियर से नागपुर तक के लिए। सो गाइस प्लान तो यही है कि ग्वालियर से नागपुर तक जाए, बट अगर बीच में कोई डिले हुआ जिसकी वजह से हमें रुकना पड़ा जैसे, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, गाड़ी हम लोगों ने कोल्ड स्टार्ट कर दी है एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज रेडी। सामान हमने पूरा लोड कर लिया गाड़ी में, तो फटाफट चलते हैं। गाड़ी लग रही ना भाई एकदम सेक्सी है, तो भाई सेक्सी कुछ भी बोलो है कि नहीं, एकदम सेक्सी बॉय। ठीक है, तो बस यहाँ से निकलते हैं एंड बाकी आपको रास्ता मिल के, अगर नाश्ता वास्ता जो भी करेंगे आप लोग को पूरा रूट दिखाएंगे और जिस जिस स्टेट से निकलेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस अपने ही मज़ा होता है ऐसे वाली ट्रिप्स करने का। तो ठीक है, निकलते हैं फटाफट, गाड़ी में बैठते हैं, लेट्स गो गाइस। चलो चलो, हमने कहा थोड़े से सिनेमैटिक शॉट ले लें गाड़ी के चलते हुए। अब भाई इतना मेरे में दम नहीं है सुबह की 5:30 बजे की मैं गाड़ी बाहर निकलवाऊँ और फिर जाके लूँ, तो मैंने कहा यहीं से निकलवा लूँ भाई, यहीं मैं बैठ जाऊँगा। सो गाइस कल रात को जब हम लोग ग्वालियर के अंदर एंटर हुए सिटी के अंदर, तो हमें कुछ ऐसा नज़ारा दिखा, पता नहीं अभी एग्जैक्टली इसको क्या बोलते हैं और मैंने अभी रिसर्च भी ज़्यादा नहीं किया क्योंकि हमने कल रात को देखा था। एंड अब देखो पूरा ही मतलब इन्होंने ना एकदम एस्थेटिक सा बना रखा है, वहाँ पे भी यहाँ पे भी आगे भी है काफ़ी और उधर भी है अगर आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो कल रात को तो शाम के टाइम ना काफ़ी अच्छी लाइटिंग थी, बट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था इसलिए मैं रोकी नहीं, बट हमने कहा चलो अभी रोक के आप लोगों को थोड़ा एक बार दिखा देते हैं यहाँ का व्यू कि यार मतलब वैसे ग्वालियर सिटी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट जो मैंने लगी मुझे लगी, बट सिर्फ ये पार्ट गाइस ये पार्ट बहुत ज़्यादा सुंदर है एकदम, जैसे अमृतसर का नहीं अपना गोल्डन टेम्पल के पास का जो एरिया वैसा सा लग रहा है बिल्कुल ही। ठीक है, तो मतलब है तो यार ज़बरदस्त। ठीक है, और यहाँ पे आई थिंक वो देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी है, भारतीय स्टेट बैंक सामने, जिसको दिख रहा है नहीं दिख रहा पता नहीं, बट हाँ तो कुछ वैसा ही है। तो चलो बस तो गाइस यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं कि पावर ऑन हो जाए क्योंकि गाड़ी में सिर्फ पावर डल सकता है, और पिछले 5 मिनट से वेट कर रहा है। और मुझे एक और चीज़ दिखी यार कि देखो डेफ के लिए भी ना अलग से मतलब पूरा सिस्टम लगा हुआ है, आपको बॉटल्स कैरी करने की ज़रूरत नहीं अगर आपकी डीजल गाड़ी है BS6। भैया तेल गाड़ी में डालना है, बाल्टी में नहीं डालना। अरे 5 लीटर डाल दे, 5 लीटर में क्या होगा इसमें, 40 लीटर चलेगा, 40-45 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट ये यूट्यूबर है अपा, कर दो आराम से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सुतने के लिए जगह है, हाँ पूरे नेट बने हुए गाइज, इसमें आप देख सकते हैं E10 एमिशन अभी इथाइल इंडिया में आने वाला है, E20 भी आने वाला है, और अपनी गाड़ी 91 और 95 ऑक्टेन, और E20 सस्ता है गाइज, मेरे ना जो रॉयल एनफील्ड का बुलेट, हाँ इथाइल जो बुलेट है उसमें भी E20 डलता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल पड़ेगा हमें आने वाले टाइम में, तो इसीलिए मैंने सोची गाड़ी ली थी। हाँ मुझे पता थोड़ा महंगा पड़ रहा है हमें क्योंकि नॉर्मल जो पेट्रोल का प्राइस है वो अराउंड 96 रुपीज़ है, जैसे आप देख सकते हो 96.20, बट जो हम पे करने वाले वो है अराउंड 103 के करीब। ठीक है, तो गाइस ठीक है यार अपनी गाड़ी डिमांड करते तो करना ही पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन है नहीं अपने पास, तो आई थिंक ये क्या कर रहे हैं अभी इनके सिस्टम में 2000 years later। फोन में दिखा दो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, थैंक यू सर, सिर्फ फोटो कॉपी नहीं चाहिए। जी जी खाने में कंट्रोल नहीं होगा, वो भी है, तो बात भी एक है, तो एक टिप दूं क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल दीजिए, बिल्कुल सर। कैसा है कि सिर्फ सवेरे खाओ, हाँ हाँ, और रात को खाओ, ठीक है। रात को क्या खाना, सवेरे क्या खाना, तुम्हारी हाइट कितनी है? Six. 5 5 5 10 5 11 तक है, 5 11।
सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं नागपुर सिटी में, आप देख सकते हैं कैमरा में। एंड गाइस काफ़ी ज़्यादा बिजी सिटी लग रही है, मुझे सोचा नहीं था कि ऐसी होगी, बट आप देख सकते हो यार, मतलब मज़ेदार है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है। एंड हमने कहा थोड़ा उतरते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा थक गए थे गाड़ी में बैठे बैठे। तो अरे और भैया गाली वाली दे रहे तगड़े, और हम लोग बॉयज यहाँ पे कुछ लेने आए हैं अभी, तो लेते हैं आपको, उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट टाइम, जैसे कि मैंने आपको बताया है, नागपुर में मेरा फर्स्ट टाइम है। एंड सिटी तो यार क्लीन ही है, ऐसा तो है नहीं गंदी वंदी। हाँ थोड़ा सा लोग हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स को ज़्यादा मान नहीं रहे, बट जगह साफ है गाइस। मुंबई टाइप फीलिंग अभी तक तो नहीं आ रही मुंबई टाइप फीलिंग, बिकॉज शायद अभी ट्रैफिक नहीं हुआ क्योंकि अभी 6 बजे। हाँ नवी मुंबई टाइप तो आ रही है फीलिंग, करेक्ट। तो बस अभी अपन चल रहे हैं अपने होटल की तरफ। अपना होटल कितना बचा है, होटल है 8 किलोमीटर 20 मिनट दिखा रहा है, तो अब लगा सकते हो ट्रैफिक है, बट बहुत ही मॉडरेटली ट्रैफिक है। तो चलो अच्छा होटल, फेमस होटल है। हाँ फेमस तो है, ये तो मानना पड़ेगा आपको। ये होटल मैं जाके दिखाऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो क्योंकि पहले मुझे, मैं भी तो सरप्राइज हूँ, देखिए तभी तो आपको सरप्राइज करूँगा। तो लेट्स सी बाकी गाइस। मैंने भी यहाँ पे यूट्यूब पे देखा कि ना जो नाइट मार्केट जो स्ट्रीट फूड है ना, काफ़ी सही मिलता है, वेज भी और नॉन वेज भी। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर हिम्मत हुई हमारे दोनों ड्राइवर्स में तो हम जाएंगे। और हाँ गाइस, अभी आते आते हमने ना 3-4 बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों की मार्केट्स देख ली। तो अगर आप नागपुर के अराउंड रहते हो या महाराष्ट्र में रहते हो और आपका प्लान है गाड़ी लेने का, तो वो ट्राई कर लेना, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। अच्छी लगी तो आपको बता दिए गाइस, ठीक है। और वड़ा पाव तो खाना है, तो चलो देखते हैं कि अच्छी सी कोई दुकान मिलती है, पहले वड़ा पाव ट्राई करते हैं। सो गाइस शाम के बज चुके हैं 6, एंड अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल में, जो कि है द मैजेस्टिक मैनोर। सो गाइस होटल एकदम हाईवे से जॉइंट है, ताकि हम सुबह सुबह यहाँ से निकल पाएँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा कैसा सा है। तो गाइस हमने ज़्यादा महंगा होटल नहीं लिया, इट्स लाइक अ बजट होटल, और हमारे 4,000 रुपये में पड़ा 3 लोगों का, और तो मुझे वो सही चीज़ सही लगी यार, ठीक है। सो बेस्ट पार्ट ये है कि बजट होटल है और साथ ही साथ हाईवे से कनेक्टेड है, और रात को खाना स्विगी विगी जोमेटो वेटो सब हो जाएगा, और नहीं तो स्ट्रीट फूड भी बिल्कुल पास में है, तो वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं ये व्लॉग ख़त्म नहीं करूँगा आज का, हम नागपुर में जो भी करेंगे नहीं करेंगे आपको पूरा दिखाऊँगा इस व्लॉग में, ठीक है। एंड फिर इस व्लॉग का हम एंड करेंगे आज रात को या फिर कल मॉर्निंग में, या कल मॉर्निंग में नहीं करेंगे, कल हैदराबाद पहुँच के ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को, ठीक है। तो चलो सही है, जैसा भी है बढ़िया है। तो मिलते हैं आपको थोड़ी सी देर में। तो वैसे हो रहा है चेक इन का टाइम, और भर रहे हैं लोग फॉर्म दोनों अपने ब्लॉग। तो वैसे ये इनकी लिफ्ट है और ये शायद रेस्टोरेंट है। तो ठीक है, होटल अच्छा है, सुबह का ब्रेकफास्ट भी इंक्लूडेड है, बेस्ट पार्ट तो रेस्टोरेंट हो गया। और गाड़ी हम लोगों ने बेसमेंट में खड़ा दी थी। कुछ ऐसा है कमरा, ओके डबल बेड तो है, ठीक है। सो गाइस अभी बच चुके हैं शाम के 7, और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ी यहाँ की स्ट्रीट मार्केट पर थोड़ी सी देखने, और फूड मार्केट देखने, तो आप लोगों को भी दिखाएंगे पूरी स्ट्रीट मार्केट यहाँ पे कैसे है। तो चलो लेट्स गो। तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ की स्ट्रीट फूड लेने। उमेश जी यहाँ पे लोग बताइए बताइए। हाँ उमेश जी, मैंने अपना लाइट जलाओ भाई पीछे जी, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। तो अभी आप कहाँ जा रहे हैं, हम लोग बताएंगे, आप थोड़ा आइडिया देंगे कहीं पे। साउजी फूड खाने। थोड़ा हमें यहाँ का पाव, बड़ा पाव भी खिलाएं थोड़ा यहाँ पे आस पास कुछ। अच्छा यस, ठीक है चलिए। तो ठीक है भाइयों, चलते हैं यहाँ से, निकलते हैं होटल से और देखते हैं क्या मिलता है खाने के लिए, खाते हैं आप लोगों को दिखाते हैं नागपुर की नाइट लाइफ थोड़ी सी। सो गाइस अभी हम लोग हैं वर्धा रोड पे, एंड यहाँ पे हमें हमारे होटल के स्टाफ ने बताया कि ना काफ़ी सारे ढाबे हैं, तो अभी हम लोग जा रहे हैं उन ढाबों में, पहले देखते हैं कुछ हो जाए, क्योंकि अभी 8 बजे टाइम, तो हम ज़्यादा ना सिटी के अंदर नहीं जाना चाहते बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक पार्ट। तो थोड़ा यहाँ घूमते हैं, देखते हैं क्या मिलता है, क्या अगर कुछ अच्छा मिल गया तो यहीं ठीक है, नहीं तो चलेंगे रात को सिटी में गेड़ी मारने। सो गाइस फाइनली लोग आ चुके हैं रोहित ढाबा पे, जो कि यहाँ पे ऑथेंटिक साउजी खाना मिलता है। एंड साउजी खाना क्या होता है सर, थोड़ा बताएंगे एक बार आप? स्पाइसी एंड मसाले।
ओके, सो बेसिकली साउजी खाना होता है स्पाइसी एंड मसालेदार, जो कि यार बहुत लोगों को पसंद होता है, बट यहाँ पे आपको खाना मिलेगा। तो चलो चलते हैं, रोहित पेन आपको दिखाते हैं अंदर खाना कैसा है। सो गाइस, आप में से जिस जिसको लोकेशन जाननी है, मैं लोकेशन आपको बता देता हूँ। होटल रोहित डीलक्स डालोगे आप या होटल रोहित डालोगे तो डोंगरगांव ज़रूर डाल देना अगर आपको सेम ब्रांच में आना है। इनकी 3-4 ब्रांचेज हैं पूरे नागपुर में। डोंगरगांव, ठीक है, अपोजिट भारत पेट्रोल पम्प, और अपना भारत पेट्रोल पम्प सामने, ठीक है। तो खाना ट्राई करते हैं, अगर अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपसे रिव्यू शेयर करेंगे। 3 नॉनवेज खाने वाले हैं, 1 वेजिटेरियन है जो कि मैं हूँ। मैं तो ट्राई करते, देखते क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, जो भी होगा प्राइस वाइज सब आपको बताऊँगा। और वैसे तो आपको बताइए कि हम लोग हैदराबाद जाके इस व्लॉग को ख़त्म करेंगे, तो साथ लाइन में रहो। तो वैसे अपना पनीर आ गया, ये आ गया अपनी मटन हांडी और ये प्याज कांदा, मराठी में क्या बोलते हैं, कांदा। जगह दिखाओ कितनी बढ़िया वाइब है, ओपन है, नो पोल्यूशन। तो वैसे बेसिकली ना एक तरह गार्डन वाला सिस्टम है और बढ़िया है। और यहाँ पे वाला यहाँ एरिया नहीं, फैमिली वाला गाइस। हाँ, और यहाँ पे ब्रिंग योर ओन बूज वाला कॉन्सेप्ट है, बे बाय वो पे जैसा, तो अपनी लाओ और अपनी पियो। बट हम अभी पीने के मूड में है नहीं, हम सिर्फ खाने के। ज्वार की रोटी गाइस, वेरी इजी टू डाइजेस्ट है, मजा आ रहा है, पर खाएंगे और दिखाया जाए आगे भी, बंदा बताया जाए फीडबैक। गाइस हमें लगा था हम ही तीखा खाते हैं पंजाब में, पर आपको अगर तीखा खाना है नागपुर आके साहू जी खाए ना, रोहित जी का, उसके बाद नहीं खाओगे। और हमने मीडियम स्पाइस कराई है अभी, पर बहुत टेस्टी होगा भाई। हमें रेंज रोवर देखी हुई तो कहाँ की, गुड़गांव, अच्छा 26, पूरे नागपुर में एक ही लग्जरी गाड़ी दिखी मेरे को अब तक। सो गाइस, फाइनली होटल को बाय बाय बोल के हम लोग निकल रहे हैं अब फाइनली हैदराबाद के लिए। और टाइम गाइस आप देख लो यार, बहुत लेट हो गया, ऑलमोस्ट 10 बज के, प्लान था 8:30 निकलने का बट लेट हो गया। टर्बो ऑन करना था गाइस, मैंने टर्बो ऑन नहीं किया। तो जैसे कि आप सबको पता है कि वर्टस का इंजन टर्बो इंजन है, तो 2-3 मिनट तक गाड़ी को आपको ऑन रखना पड़ता है डिपेंडिंग ऑन द वेदर कंडीशन। तो अगर तो वेदर है बहुत ठंडा तो 4-5 मिनट में हो सकता है, और अगर है वेदर नागपुर जैसा 25-30 डिग्री तो हार्डली 1 मिनट। सो बाय बाय नागपुर, लेट्स हेड टू हैदराबाद फाइनली। ब्लॉग में भी आ रहे हो आप, यूट्यूब पे हो आप, यूट्यूब पे चंडीगढ़ से आए हैं, चंडीगढ़ से जी जा रहे हैं हैदराबाद। इसको आती है मराठी, मिल गए वो बोलियो। नहीं मैं मराठी कभी भी नहीं आती, सिर्फ मैं हिंदी आती हूं। मैं भी हिंदी आता हूं, मैं रीवा जी। तो गाइस ऑलमोस्ट 4,000 का तेल हो चुका है, अभी भी बाकी भरी रही है। बहुत महंगा गाइस, बहुत ज़्यादा, 113 रुपये का है। ठंडी तो बहुत है, पूरा कर दो, फुल कर दो। सो भाइयों, इसी के साथ शाम के बज चुके थे 6:30 एंड हम लोग पहुंच गए थे हैदराबाद। गाइस बिल्कुल हिम्मत नहीं थी व्लॉग करने की, बिकॉज पीछे बैठ बैठ के ना मैं इतना थक गया था और इतना ज़्यादा बोर हो गया था कि मैंने सोचा इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं एंड आपको मिलते हैं जल्दी हैदराबाद के एक नए व्लॉग में, जहाँ मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा हैदराबाद से जुड़ी हुई चीज़ें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। गाइस लव यू, बाय बाय, टेक केयर, जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।